पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारों के साथ आए दिन हो रहे मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने से परेशान प्रदेश पत्रकार यूनियन के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर मांग की गई कि प्रशासन जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, जिससे पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर विराम लग सके। धरना प्रदर्शन में मौजूद पत्रकारों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बातें कही जा रही हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई है, और इसी का परिणाम है कि प्रदेश भर में आए दिन पत्रकार साथियों पर हमले हो रहे हैं। पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसे देखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ग्रैंड न्यूज से बातचीत करते हुए संघ के प्रदेश संयोजक सतीश बौद्ध और जिला अध्यक्ष मनीष चौबे ने बताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से पत्रकारों के साथ होने वाली अभद्र घटनाओं में विराम लग सकेगा। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला इकाई आज यहां पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग यह है कि जिस प्रकार प्रदेश भर में पत्रकारों के साथ जो हमले हो रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसकी निंदा करते हुए ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। और हमारी एक मांग है प्रदेश सरकार से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि अपने आप को पत्रकार सुरक्षित समझे। यही मांग को लेकर आज पूरे जिले के सारे पत्रकार एक जगह इकट्ठे हैं और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जिले के पत्रकार मौजूद रहे और सभी ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।